वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है पालक पनीर। मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर दिया है और अब ये मैं ले रही हूँ पनीर। ये 200 ग्राम है और ये टोफू सोया पनीर है। आप कोई भी पनीर ले सकते हैं। ये मैं पानी गर्म कर रही हूँ जिसमें पालक को हम थोड़ा सा बॉयल करेंगे। थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा नरम होने तक हमने इसको पकाना है। ज़्यादा देर इसको कुक नहीं करना है। फिर इसका कलर एज इट इज़ रखने के लिए अब इसको इसमें से निकाल के ठंडे पानी में वॉश करना है। इसको ओवर कुक नहीं करना है। इसके बाद पालक को हम ग्राइंड करेंगे और इसकी प्योरी बनाएंगे। ये मैंने पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया है और अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी तवे पे। जब ये ब्राउन हो जाए तब तक आपने इसको फ्राई करना है। अब चलते हैं तड़के की ओर। ये इसमें गया तेज़पत्ता, ये रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया है इसमें। ये गार्लिक के मैंने छोटे छोटे पीसेस काटे थे वो इसमें डाल रही हूँ मैं, क्योंकि पालक में जो सबसे अच्छा फ्लेवर आता है वो गार्लिक का आता है। तो आप जब भी पालक की कोई भी डिश बनाते हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप गार्लिक यूज़ करें। और ये मैंने हरी मिर्च को काट के रखा था। अब ये मेरा ब्राउन हो चुका है तो मैंने इसमें जीरा ऐड किया है। अब इसमें मैं ये अनियन ऐड कर रही हूँ। प्याज जब आपका हो जाए तैयार तो उसके बाद इसमें ऐड करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। जब ये ब्राउन हो जाए, ये मैंने थोड़ा सा इसमें हींग ऐड किया है और अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 स्पून। ये रेड चिल्ली पाउडर है और अब इसमें ऐड करूँगी मैं टर्मिक। ये हल्दी 1 स्पून डाल दिया है। अब ये टमाटर, मैंने 2 टमाटर लिए थे और उनको मैंने ग्राइंड कर दिया था। और ये सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डालना है। आपका जब ये पूरा मसाला तैयार हो जाए तो इसके बाद आपने ऐड करनी है प्योरी और इसको अच्छे से इसमें भूनना है। अच्छे से मिक्स करके हमने इसको अच्छे से भूनना है, इसमें अच्छे से पकाना है। इसको अच्छे से कवर करके और थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहिए। जब तक अच्छे से पक ना जाए तब तक इसको बीच बीच में हिलाते रहना है। और अब मेरा पक चुका है पालक, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर। अब इसको भी थोड़ी देर के लिए और हमने पकाना है। इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है। अब थोड़ी देर बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ तो लगभग तैयार हो चुका है। और ये मेरी घर की मलाई है, मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके पास घर में नहीं है तो बाहर से आप क्रीम ले सकते हैं। अब मेरा पालक पनीर तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताएं और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।